बुधवार को भाजपा के 7 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन कराया। सभी उम्मीदवारों का कहना है कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। साथ में यूपी की सभी 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार अमरपाल मौर्य से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं अमरपाल मौर्य, जो बीजेपी के महामंत्री हैं और अभी नामांकन करा के लौट रहे हैं राज्यसभा के लिए और युवा उम्मीदवार कह सकते हैं। अमरपाल जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है महामंत्री से सीधे राज्यसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक जो काम दिया जाता है, जब दरी बिछाने का काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो भी करता है, झंडा लगाएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी आपको जो है देश के अंदर जो है पार्लियामेंट में जाना है, तो एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे करके जो है तैयार करके रखती है, वो निभाता है जिम्मेदारी। और शीर्ष नेतृत्व को मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा। उच्च सदन में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? देखिए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी की नीतियों को गांव गरीब तक, उस झोपड़ी तक जो पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है, एक एक घर कोई जो छूटा नहीं रहेगा, उसके लिए अमरपाल मौर्य अपना जीवन समर्पित कर देगा। 80 सीटों की बात करें, आपके पास संगठन 100% जीतेंगे। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जीतेंगे। कितना करीब लगता है? मैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके भेजेंगे। और वो भी लक्ष्य कोई जो है दूर नहीं होता है। जब कार्यकर्ता कोई चीज ठान लेता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खिल्लियां उड़ाते थे कि ये 2 सीट वाले जो है क्या करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार इस देश के अंदर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया है और तीसरे जो है संकल्प में उसको भी पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अमरपाल मौर्य जी हैं, राज्यसभा के लिए नामांकन कराया है और इनका कहना है कि मोदी जी की एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और प्रदेश की सभी 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। साथ ही उच्च सदन में जब वो काम करेंगे तो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको आम जनता तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता।